ये देखिए दोस्तों, ये आईटीआई का चैप्टर है सोल्डर और सोल्डरिंग। इसमें आप शॉर्ट तरीके से कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और समझने में भी ये आसानी होगी। तो चलते हैं। देखिए, सोल्डर धातु के दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में अर्ध अस्थाई रूप से जोड़ने के लिए सोल्डरिंग की जाती है। मतलब कि ये एक सोल्डर जो है एक अर्ध अस्थाई रूप है। यहाँ ये मैंने इसको हाईलाइट किया है, जहाँ इम्पोर्टेंट है वहाँ वहाँ मैंने हाईलाइट को दर्शाया है। अब देखिए, इसमें जॉइंट को जोड़ने के लिए जो माध्यम प्रयोग में लाया जाता है उसे सोल्डर कहते हैं। सोल्डर यानी मिश्रण है एक प्रकार का, यह दो एलिमेंट से बना है, एक लेड और टीन। इसमें आप देखिए गलनांक, ये साधारण सोल्डर का गलनांक है, ऐसे होता है 96 से 255। अब देखिए चलते हैं सोल्डरिंग पर। सोल्डरिंग एक प्रकार की कार्य क्रिया है जिसमें सोल्डर द्वारा दो या अधिक पार्ट को आपस में अर्ध अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। इसमें भी ये सोल्डर जो है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये अर्ध अस्थाई है, यानी सेमी परमानेंट। सोल्डर एक सेमी परमानेंट है। सोल्डर दो प्रकार का होता है, एक सॉफ्ट सोल्डर एक हार्ड सोल्डर। अब सॉफ्ट सोल्डर में देखिए, यहाँ टीन और लेड का परसेंटेज की मात्रा दिया हुआ है और उसके साथ गलनांक भी मैंने दिया है। इसको मैंने शॉर्ट नोट तैयार किया है ताकि आप लोग इसका फ़ायदा उठा सके पढ़ के। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए, अब हार्ड सोल्डरिंग में इसमें सिर्वल सोल्डर या स्पेल्टर का प्रयोग करके दो या अधिक पार्ट को आपस में जोड़ा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, सिर्वल सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। ब्रेजिंग एक्चुअली में सोल्डर का ही रूप है। अब इसमें हार्ड सोल्डर का देखिए, कॉपर और जिंक और सिल्वर इसका गलना है, ये दिया हुआ है। इसके बाद फ्लस्क भी देखिए, इसको मैंने तैयार किया है। फ्लस्क क्या है देखिए, जिस माध्यम से जॉइंट को साफ किया जाता है उसे फ्लस्क कहते हैं। यह प्रायः द्रव, पेस्ट या पाउडर के रूप में पाया जाता है। जब सोल्डरिंग या ब्रेजिंग की जाती है तो जॉइंट के ऊपर फ्लस्क को लगाया जाता है। अब मुख्य कार्य, जॉइंट को साफ करना, सोल्डर को शीघ्र पिघलने या उसका बहाव बढ़ाने के लिए जॉइंट के ऊपर सोल्डर या स्पेटल की मजबूत पकड़ लाना और कोरोजन से दूर करना। बस ये, अब देखिए उसका फ्लस के साथ हम लोग चलेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट भी देखेंगे। देखिए, ये मेटल है और ये सॉफ्ट सोल्डरिंग। ये मेटल और फ्लस सॉफ्ट सोल्डरिंग, इसमें सोल्डरिंग पेस्ट जिंक क्लोराइड, इसके बाद ब्रेजिंग बोरेक्स इसमें यूज होता है फ्लस के रूप में, जी एसिड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड और टीन सीट, इसमें साल अमोनियम या तो अमोनियम क्लोराइड इसमें होता है, और स्टेनलेस स्टील फास्फोरिक एसिड, और दूसरा आपको मिलेगा भाई लोग स्टेनलेस स्टील में सोल्डरिंग के लिए फ्लस हाइड्रोक्लोराइड
जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड यानी तीनों का मिश्रण इसमें होता है स्टेनलेस स्टील में। इसके बाद तांबा, जिंक क्लोराइड तांबा का होता है। बिजली उपकरण या गन मेटल, इसमें रेजिन या तो रोजिन का प्रयोग किया जाता है फ्लश के रूप में। इसके बाद पीतल में जिंक क्लोराइड। कुछ इंपॉर्टेंट हिंट, जो कि सॉफ्ट सोल्डरिंग प्राय 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर की जाती है और सोल्डरिंग आयरन बिट वो तांबे यानी कॉपर का बना होता है। ये दोनों एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट था, ये पूछा गया सवाल है। अब देखिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। ये फर्स्ट वीडियो है अपना, नोट को बनाने के बाद मैं शॉर्ट तरीके से बना के मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। एक छोटा सा थोड़ा छूट गया था, जिसमें यहाँ एक शोल्डर, एक थोड़ा सा इसमें भी चर्चा करते हैं, एक शोल्डर और उसका रेशियो जो होता है, सॉफ्ट शोल्डर, मीडियम शोल्डर, इलेक्ट्रिकल शोल्डर और प्लम्बर शोल्डर, इसमें एक रेशियो लेड और टिन का भी दिया हुआ है।